हमने आज तक पढ़ा है कि भाई जब जब डिमांड बढ़ती है या जब जब प्राइस कम होता है तब तक डिमांड बढ़ती है, जब जब प्राइस ज्यादा होता है तब तक सप्लाई बढ़ती है। हमने ये सब कुछ पढ़ा पर कभी भी ये नहीं पढ़ा कि भैया अगर आज प्राइस कम हो रही है तो कल डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, परसों डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, उसके अगले दिन डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, उसके अगले दिन डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा और उसके अगले दिन की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि हमने आज तक जितने भी रिलेशन देखे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, वो सारे रिलेशन हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही देखे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमने ये देखा हो कि भाई आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। हमने जितना सब कुछ देखा है वो सब कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ही देखा है। यानी कि अभी हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ा तो है पर कुछ छोटा छोटा पढ़ा है। सो गाइज, हमने जो अब तक पढ़ा है हम उसको कहेंगे इकोनॉमिक स्टैटिक। क्या कहेंगे? इकोनॉमिक स्टैटिक्स। बिकॉज व्हाट इज टर्म इकोनॉमिक स्टैटिक? इफ द फंक्शनल रिलेशनशिप is established between two variables. जब दो variables के बीच में कोई relationship होता है, ठीक है, whose value relate to same point of time or the same period of time, the analysis is known as static. यानी कि जब दो variables में relationship होता है, at a particular point of time उनके बीच में क्या है, क्या relation है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक स्टैटिक। हमने डायनामिक अब तक नहीं पढ़ा। डायनामिक का मतलब आज ऐसा हो गया तो रिलेशन पे क्या फर्क पड़ा, परसों ऐसा हो गया तो रिलेशन पे क्या फर्क पड़ा। यानी कि इसको डबल ना ले, दो वेरिएबल्स के बीच में जो हमने रिलेशन पढ़ा है वो एट अ पर्टिकुलर, एट अ स्टैटिक मूवमेंट ऑफ टाइम पे पढ़ा है। अभी प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, ये क्या है? इंस्टेंट रिएक्शन। उसके बाद क्या हो रहा है? हमारी इकोनॉमी आज यहां से वहां पहुंच गई तो कैसे पहुंची, उसका पाथवे क्या है, हमने अब तक इस बारे में कभी भी बात नहीं की। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है? इकोनॉमिक स्टैटिक। फॉर एग्जांपल, रिलेशन ऑफ डिमांड एंड प्राइस एट द सेम टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी क्या था? एक एग्जाम्पल है किसका? इकोनॉमिक स्टैटिक। समझा है इकोनॉमिक स्टैटिक क्या होता है? जब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मैं बात करता हूं कि दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक स्टैटिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। समझा गया? तो गाइस, ये था हमारा इकोनॉमिक स्टैटिक के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके बाद में आपके लिए लेके आता हूं कंपैरेटिव स्टैटिक कि भाई क्या है कंपैरेटिव। हम कंपैरिजन में इस इकोनॉमिक स्टैटिक का बताओ, ध्यान से समझना, मैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में क्यों बोलता हूं? क्यों बोला आपने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? क्या जरूरत क्या है इस चीज? ठीक है, अभी प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये भी तो पढ़ना जरूरी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि भाई टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इन दोनों के रिलेशन में क्या फर्क पड़ रहा है, हमें एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात क्यों करना जरूरी है? तो ये जरूरी होता है बिकॉज ऑफ कंपैरेटिव स्टैटिक। अब क्या है कंपैरेटिव स्टैटिक, वो अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है, इसके बाद हम कंपैरेटिव स्टैटिक पे आएंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव एक इंट्रोडक्शन देता हूं, मतलब आज रिलेशन कैसा है दो वेरिएबल्स के बीच में, दो साल बाद इन दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन होता है हमारा कंपैरेटिव स्टैटिक। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ गए, आते कंपैरेटिव स्टैटिक पे, देखते हैं कैसे हमने जो पढ़ा है वो कंपैरेटिव स्टैटिक में। अब बात करते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक की। क्या होती है कंपैरेटिव स्टैटिक? जब मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया तो फाइनली उन एंड रिजल्ट को कंपेयर करना, टू कंपेयर द एंड रिजल्ट बिटवीन टू डिफरेंट पोजीशंस इज नोन एज कंपैरेटिव स्टैटिक। डेफिनेशन देखो, कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस कंपेयर्स वन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अनदर व्हेन द डेटा हैव चेंज्ड एंड द सिस्टम हैज फाइनली रीच्ड अनदर इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि जब मेरा डेटा बिल्कुल बदल चुका है, नया डेटा आ चुका है, तो उन दोनों के बीच में कंपेयर करना हम उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक। यानी कि फॉर एग्जांपल हम ये डायग्राम लेते हैं, देखो ये हुआ इक्विलिब्रियम पोजीशन लेते हैं, ठीक है, ये हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन ली, ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई, ठीक है, तो प्राइस पी था जब क्वांटिटी क्यू थी, ठीक है, अब फाइनली क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया और हमारी इकोनॉमी जो थी, डिमांड बढ़ गई है, डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ गया,
हमारी जो इकोनॉमी है वो अब यहाँ आ चुकी है, E1 पे ऑपरेट करती है। सो व्हाट इज कंपैरेटिवली स्टैटिक कि यहां से यहां आने के बीच में जो ये पार्ट कवर करा है इसको स्टडी करना वो कहलाता है कंपैरेटिव स्टैटिक, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको स्टडी करना वो कहलाता है कंपैरेटिव स्टैटिक। या एक चीज याद रखना, हमें कोई मतलब नहीं है कि भैया ये किस शेप में आ गया या कैसे गया, हमें बस ये है कि पहले डिमांड 12 थी अब डिमांड 18 हो गई, तो यानी कि 6 क्वांटिटी का डिफरेंस आ गया। सो इन कंपैरेटिव स्टैटिक हमने क्या करा, दोनों के एंड रिजल्ट को, दोनों के एंड रिजल्ट को एक दूसरे से कंपेयर करा है। इस पार्ट से हमें कोई भी लेना देना नहीं है कि ये कैसे यहां से यहां तक पहुंचा। व्हाट वी आर कंसिडरिंग द एंड रिजल्ट ऑफ बोथ द सिचुएशन। ध्यान से देखो इधर, इट डज नॉट एनालाइज द होल पाथ एज टू हाउ द सिस्टम ग्रोज आउट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम पोजिशन टू अनदर व्हेन द डेटा इज चेंज। यानी कि इसमें कोई लेना देना नहीं है कि भैया हमारी इकोनॉमी जहां से यहां तक पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ा, वो कैसे नीचे कब गई कब ऊपर उठी, 2 तारीख को इकोनॉमी डाउन हो गई थी, 5 तारीख को इकोनॉमी बूम पे आ गई थी, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस ये लेना देना है कि पिछले साल हमारी जीडीपी ग्रोथ 5.5 थी, इस साल हमारी जीडीपी ग्रोथ 5.8 हो गई है, तो 0.3 का जो है वो इंक्रीमेंट आया। समझिए कंपैरेटिव स्टैटिक, यानी कि स्टैटिक का मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड व्हाट इज कंपैरेटिव स्टैटिक, दो इक्विलिब्रियम पोजीशन को कंपेयर करना एट फाइनल रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट के टाइम पे, वो कहलाता है कंपैरेटिव स्टैटिक। बहुत सिंपल था गाइस, बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं था। कंपैरेटिव स्टैटिक्स हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमने अब तक स्टैटिक ही पढ़ी। ठीक है, सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, इसके बाद में बताऊंगा आपको कि इकोनॉमिक डायनामिक्स क्या होती है। गाइस ये इंट्रोडक्शन है, हमारी पूरी इकोनॉमिक का इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, इसके बाद हम थोड़ा उन टॉपिक्स में आएंगे जिनसे आप फेमिलियर होते हैं। ये टॉपिक्स काम में जरूर आते हैं, पर ये टॉपिक शायद आप लोगों को कहीं दिखे नहीं हो, आपने कभी कोर्स कर रहे हो कोई एडवांस लेवल का, तो शायद ये टॉपिक आपको कहीं दिखेंगे नहीं, पर ये टॉपिक आपकी बुक्स में जरूर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बट दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब तक हमें स्टैटिक और डायनेमिक का डिफरेंस पता नहीं लगेगा तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज इट, ये थी हमारी आज की वीडियो, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक डायनामिक्स क्या होती है और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में ऑपरेट करती है, एंड हाउ इकोनॉमिक स्टैटिक इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक डायनामिक्स। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।